पीसी चाको जी, शीला दीक्षित जी, उपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अजय माखन जी, उपस्थित सभी कांग्रेस जन साथियों, भाइयों और बहनों, आज से ठीक 5 महीने पहले हम सब इसी ऐतिहासिक मैदान में मोदी सरकार द्वारा लाए गए काले अध्यादेश का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ हम सब ने पूरे देश में आंदोलन किए। अनगिनत किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। एनडीए को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका जोरदार विरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन की गंभीरता को नहीं समझा, इसको नज़रअंदाज किया, लेकिन हल और हाथ की ताकत जब इकट्ठा हुई तो उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ा। आज इस विशाल जनसमूह को देखकर भाजपा सरकार के पांव तले की धरती खिसक गई होगी, जिन्होंने उस काले अध्यादेश के द्वारा आपकी जमीन छीनना चाहते थे। लेकिन ये जीत किसी व्यक्ति की जीत नहीं, यह जीत आपकी ही जीत है। आप ही धूप हो या छाव, गर्मी हो या सर्दी, दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं। आप ही हम सब की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। आप सिर्फ अन्नदाता ही नहीं बल्कि भाग्य विदाता भी है। भले ही लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लड़ाई का मैदान अब दिल्ली से हटकर प्रदेशों में चला गया है। आपका यह ऐतिहासिक संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा और आपकी जमीन से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, ये तो बात हुई जमीन अधिकारण कानून में बदलाव की, लेकिन जब से मोदी सरकार सत्ता में आए हैं, किसान भारी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। हमारे देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां हमारे किसान और हमारे खेत मजदूर तकलीफों का सामना न कर रहे हों। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, कहीं पानी नहीं मिल रहा है तो कहीं बिजली, कहीं बीज नहीं मिल रहे हैं तो कहीं खाद, सफ़ेद मक्खी फसल को नुकसान कर रही है, इसके लिए जो दवाएं मिल रही हैं वह भी नकली। तेल, गेहूं, रबर, सिल्क जैसे अनेक उत्पाद आयात हो रहे हैं जिसका फायदा आपको नहीं, किसानों को नहीं, बिचौलियों को हो रहा है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें के दाम आसमान छू रहे हैं और हमारी प्यारी बहनों को घर चलाना कितना कठिन हो गया है। इन सारी समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है, मैं पूछना चाहती हूँ, कौन जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ
मोदी की सरकार उनकी गलतियों और आपके प्रति उनके उदासीनता है। आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार ने जब आप कर्ज की चपेट में थे न केवल 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया, आपको हर मदद पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। और इसके विपरीत मोदी सरकार की आपकी परेशानियों के प्रति क्या रवैया है, आपकी सहायता कर है 40,000 करोड़ का टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं। लगता है कि उनकी आपकी समस्याओं को सुलझाने में ना दिलचस्पी है ना समय है। उनकी दिलचस्पी और घंटों का समय है तो उद्योगपतियों के लिए है, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए है। हाँ, विदेश यात्रा के लिए भी खूब दिलचस्पी है, खूब समय है और खूब पैसे हैं। मोदी जी, आप चुनाव के दौरान क्या क्या नहीं बोले, क्या क्या वादे नहीं किए, लेकिन जब से आप सरकार में आए आपने हमारी यूपीए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को या तो टंडे बस्ते में डाल दिया है या फिर बड़ी कटौती की है। हमारी बहनें जिनकी गोद में देश की भविष्य पलता है उनके कार्यक्रमों में भी आपने कटौती कर दी है। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी नहीं बख्शा। देश का युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है। क्या हुआ आपके वादे का जो नौजवानों को रोजगार देने का था, क्या हुआ? लगता है कि आज आपने अपनी आंख और कान बंद कर दिए हैं। तो भाइयों और बहनों, मोदी सरकार आर्थिक क्षेत्र में विफल रही है। अपनी विफलता को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री कांग्रेस को बार बार दोषी ठहराते हैं और विकास के रास्ते में बाधा मानते हैं। मुझे उनके ऐसे कथन पर हंसी भी आती है और दया भी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनकी विचारधारा के साथी कहाँ थे वे लोग जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। एक पार्टी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी, आज़ादी हासिल करने के बाद आधुनिक भारत का निर्माण किया, क्या विकास के रास्ते में बाधा हो सकती है? हाँ, जब भी वे जनता की परेशानियों को नहीं सुनेंगे, आपकी आवाज को नहीं सुनेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उनके रास्ते में जरूर बाधा बनेगी। किसानों को सही MSP नहीं देंगे, बोनस नहीं देंगे और सभी जरूरत संसाधन नहीं देंगे तो क्या हम उनके रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे? अगर बाजारों में विदेशी कृषि पैदावार बड़ी मात्रा में थोप दी जाएगी तो हम क्या उनके रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे? हम उनके रास्ते में जरूर बाधा बनेंगे जब सूखा और बाढ़ से पीड़ित किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा। हम उनके रास्ते में जरूर बाधा बनेंगे अगर कामगारों के अधिकारों को छीना जाएगा, जंगलों और आदिवासियों की जमीन को छीनकर
चंद उद्योगपतियों को सौंपा जाएगा। हम उनके रास्ते में जरूर बाधा बनेंगे अगर महंगाई को काबू नहीं किया जाएगा। अगर विकास का मतलब ज्यादातर लोगों की उपेक्षा और सिर्फ चंद लोगों का फायदा है तो हम निश्चित तौर पर ऐसे विकास का विरोध करेंगे। भाइयों और बहनों, आज समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसकी परेशानी दिन दोगुनी रात चौगुनी न बढ़ती जा रही। प्रत्येक व्यक्ति परेशान है और मैं और मोदी सरकार अपनी आदत के अनुसार खोखली बातें कर रही है, सिर्फ भाषणबाजी कर रही है व ऐसी हरकतों को प्रोत्साहन दे रही है जो समाज में लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर एक ऐसा तनाव पैदा करना चाहती है जो देश के भविष्य और राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है जिसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना है। राष्ट्रीय हित हमारे लिए सबसे ऊपर है और इसके लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो भाइयों और बहनों, अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि खरीफ की फसल और अन्य व्यवस्थता के बावजूद आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए। आपकी मौजूदगी ने हम सबको नया विश्वास दिया है, नई ताकत दिए हैं, हमारे संकल्प को मजबूत किए हैं और इसी हौसले के साथ हम सभी आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए जय हिंद। और जोर से जय हिंद। जय हिंद।